स्कीम मिल जाए एक अलग बात है कि भाई आपने ये लिया आपको 10% 20% या कुछ एक आध प्रोडक्ट का भी कोई बहुत रेयर है वो भी है ना, एनी इंसेंटिव, कोई इंसेंटिव वगैरह मिलते हैं क्या? मेरे ख्याल से नहीं मिलते इंसेंटिव, तो बिल्कुल भी नहीं मिलते कस्टमर को। हाँ, उससे रिलेटेड जो लोग बिजनेस कर रहे होते हैं उनको बड़े बड़े ऑफर्स स्कीम्स और CNF होते हैं, होलसेलर होते हैं, उनको कहीं आती होंगी, बट एक कस्टमर को, एक एंड यूजर को अंतिम छोर पे, अंतिम पायदान पे जो व्यक्ति खड़ा होता है, जो मेहनत करके अपनी कमाई करता है और बाद में कोई ना कोई प्रोडक्ट परचेस करता है, उसको कोई इंसेंटिव भी नहीं मिलता। एनी प्रमोशन, कोई प्रमोशन मिलता है? नहीं मिलता। एनी फॉरेन ट्रिप, भूल जाइए सब, विदेश यात्रा कहाँ मिलती है? किसी भी कंज्यूमर को हमने तो नहीं सुनी कि उसने जो है कोई विदेश ट्रेवल किया हो। एनी कैरियर अपॉर्चुनिटी, एक कस्टमर को कैरियर अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती। हाँ, एक अपॉर्चुनिटी मिलती है कि मेरे पास 10 लाख रुपए थे, मैंने 10 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट किया, बढ़िया सा इंफ्रास्ट्रक्चर लगाया, एक फ्रेंचाइजी ले ली, एक कंपनी के CNF ले लिया, होलसेलर ले लिया, एक दुकान खोल ली और मैंने जो है वहां से बिजनेस को करने लगा, तो मुझे एक रोजगार मिलता है। बट एक कस्टमर को, एक कंज्यूमर को नहीं, ऐसा कोई प्रावधान था हमारे ट्रेडिशनल बिजनेस। और वहां जो प्रोडक्ट होते हैं, अगर मोस्टली प्रोडक्ट की हम बात करें जिसमें मैक्सिमम टर्नओवर जाता है, दैट इट्स कॉल्ड FMCG। इसका मतलब क्या, ये वर्ड याद रख सकते हैं आप, FMCG। FMCG की फुल फॉर्म होती है फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स, राइट। इसमें ये बहुत सारे प्रोडक्ट, हजारों लाखों प्रोडक्ट मार्केट के अवेलेबल होते हैं जो हमारे दिनचर्या में घरों में इस्तेमाल होते हैं, राइट। हमने यहाँ पे क्या चेंज किया, BXL ने यहाँ पे क्या चेंज किया, इसको आपको पकड़ना पड़ेगा। मैंने एज ए डिस्ट्रीब्यूटर, एज ए कंज्यूमर, मैंने क्या चेंज किया, मैंने जब ये FMCG प्रोडक्ट को सबसे पहले बदलाव ये किया कि मैंने FMCG प्रोडक्ट यूज ना करके मैंने यूज करे N और जोड़ लिया, उसमें NFMCG प्रोडक्टों का इस्तेमाल करना शुरू किया। NFMCG मीन्स वॉट? NFMCG मीन्स न्यूट्रिशनल फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स, N जोड़ दिया इसमें। एन स्टैंड न्यूट्रिशनल, न्यूट्रिशन पौष्टिक, जिसमें प्रोटीन भी है, कार्बोहाइड्रेट भी है, फैट भी है, विटामिन भी है, मिनरल्स भी है, इम्यूनिटी बूस्टर्स भी है, इम्यूनिटी मॉड्यूलेटर्स भी है, डिटॉक्सीफायर भी है, जिसमें हमारे बैलेंसर भी है, बहुत सारे ऐसे तत्व हैं जिसके अंदर छोटे 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 तत्व मेरे शरीर को स्वस्थ रखने के लिए, जो चीजें मुझे भोजन से नहीं मिल पा रही थी वो चीजें मुझे मिलने लगी, तो वो प्रोडक्ट हो गए NFMCG प्रोडक्ट, राइट। आप इसके बारे में मुझे डिटेल देने की जरूरत नहीं है। कभी दो दिन पहले प्रियरंजन सर ने बहुत ही अच्छा हेस्पुरला के ऊपर प्रेजेंटेशन दिया, कभी फिरोज सारंग सर कभी मोरंजी के ऊपर देते हैं, कभी कोई कॉफी के ऊपर देता है, कभी कोई प्रोडक्ट के ऊपर कोई डिफरेंट प्रेजेंटेशन देते हैं। तो ये हमारे बहुत सारे डॉक्टर्स हैं जो डिफरेंट डिफरेंट प्रोडक्ट्स के ऊपर इन्फॉर्मेशन भी देते हैं। तो ये सारे देखिए, अब आप देखिए हमारे पास FMCG प्रोडक्ट क्या था, शैम्पू, पर NFMCG क्या हो गया, गैनोजी शैम्पू। हमारे पास पेस्ट था जनरल FMCG, पर रिएक्शन गैनोजी पेस्ट जब आप यूज करेंगे तो वो एक FMCG प्रोडक्ट नहीं होगा, उसमें न्यूट्रिशनल वैल्यू एडेड है गैनोडर्मा की, उसमें बहुत सारी चीजें और एडेड हैं, इसमें बॉडी लोशन भी है। ये सारे प्रोडक्ट आप जो देख रहे हैं, चॉकलेट पाउडर, हॉर्लिक्स, बॉर्नविटा में, ये सब ऐसे वो न्यूट्रिशनल प्रोडक्ट है, ये सब बताने की मुझे जरूरत नहीं, क्योंकि इन्हें देने के बाद 101% लोगों को रेस्पॉन्स आता है, उन्हें अच्छा फील होता है, फील गुड फैक्टर आता है, और वही हमारे प्रोडक्ट की USP भी है। तो वन हैप्पी कंज्यूमर जनरेट 9 पॉजिटिव रेफरल्स, यानी एक अगर कोई संतुष्ट कस्टमर आपके पास है तो आप समझ लीजिए वो जनरेट कर सकता है 9 रेफरल्स को, 9 लोगों को वो बोल सकता है। एवरेज एक कैलकुलेशन दिया गया है कि वो 9 लोगों को ये बात बोल सकता है कि भाई मुझे प्रोडक्ट यूज करके अच्छा फील हुआ। अ सेटिस्फाइड कस्टमर इज द बेस्ट बिजनेस स्ट्रेटेजी ऑफ ऑल, यानी किसी भी बिजनेस की स्ट्रेटेजी को इंप्लीमेंट करने के लिए जब एक कोर ग्रुप, एक कंपनी का कोर ग्रुप स्ट्रेटेजी बना रहा है, तो एक सेटिस्फाई कस्टमर का होना उस कंपनी के टर्नओवर के लिए, उस बिजनेस में करने वाले लोगों के लिए, उस बिजनेस से लाभान्वित होने वाले लोगों के लिए ये बेस्ट स्ट्रेटेजी रहती है। द रीजन बिहाइंड, हमें प्रोडक्ट के ऊपर जब हम जो जिस प्रोडक्ट के बारे में बात कर रहे हैं उसके जो रिजल्ट्स उनको मिलते हैं, उन रिजल्ट्स से वो संतुष्ट होने के बाद वो फॉल्स कमेंट नहीं होता वहां पे। कोई आप एक बार तो किसी को, दो बार नहीं तो किसी को कोई फॉल्स प्रोडक्ट दे दोगे अपनी बातों से, अपने प्रेजेंटेशन से, अपने लुभावनी स्कीमों से, पैकिंग से, एक दो तीन मैक्सिमम, दो भी बहुत होता है, दो बार आप फॉल्स प्रोडक्ट दे दोगे डियर, तीसरी बार वो परचेस नहीं करेगा। और वहीं अगर हमारे पास एक ऐसी पावर है, स्ट्रॉन्ग प्रोडक्ट की पावर है, जिसके वजह से हमारे पास सेटिस्फैक्ट्री कस्टमर का एक दायरा जो है ज्यादा होता है, तो हमारे पास वो
कंज्यूमर ऑटोमेटिकली प्रमोटर बन सकता है या हमारे बिजनेस का हिस्सा बन सकता है, हमें प्रोडक्ट के ऊपर एफर्ट नहीं लगाने पड़ेंगे। अगर वही प्रोडक्ट खराब होता तो वो बिजनेस 2 या 3 दिन या 4 दिन या 2 महीने का 3 महीने का होता। ऑन एवरेज लॉयल कस्टमर्स आर वर्थ अप टू 10 times एज मच एज द फर्स्ट परचेज, राइट। एक लॉयल कस्टमर ऑन एन एवरेज लॉयल कस्टमर्स आर वर्थ उसकी जो 10 गुनी ज्यादा उसकी पहली परचेज से इंपॉर्टेंस बढ़ जाती है, उसकी वर्थ बढ़ जाती है। यानी पहली जो परचेज उसने करी, अगर एक लॉयल कस्टमर हमारे पास है तो वो क्योंकि वो संतुष्ट हो गया है, अरे वाह तुम्हारी हमने देखा भी है एक प्रोडक्ट उसने यूज किया, फॉर एग्जांपल वो हमारे कॉफी से या स्पिरुलिना से पहला प्रोडक्ट यूज किया और उससे वो संतुष्ट हो गया, तो वो कहता है अच्छा जब आपने उसे बताया तो वो कहता है अच्छा सूप भी अलग सूप भी दे दो, पेस्ट है पेस्ट भी दे दो, राइट। तो ये हमारे बिजनेस की एक प्लस पॉइंट है। वाइज कस्टमर सर्विस इज इंपॉर्टेंट। कस्टमर सर्विस की अगर मैं बात करूं, देन कस्टमर्स आर डिससैटिस्फाइड विद सर्विस, दे टेल 20 रिलेटिव्स एंड फ्रेंड्स। अगर एक कस्टमर आपकी सर्विस से, आपके कंपनी के प्रोडक्ट से संतुष्ट नहीं होता है तो वो 20 लोगों को बोल देगा अरे ये प्रोडक्ट बेकार है। और वहीं अगर कोई संतुष्ट होता है तो देखिए अंतर कितना है, जो निगेटिव हो रहा है वो 20 लोगों को बुराई कर रहा है। अगर मैंने किसी को कोई प्रोडक्ट दिया और मैं उसे सर्विसेज नहीं प्रोवाइड करवाया तब भी वो बुराई करेगा, कंपनी के प्रोडक्ट में कमी है तब भी वो बुराई करेगा। और वहीं अगर वो संतुष्ट हो गया कस्टमर तो वो 5 लोगों से बोलेगा। यानी मुझे अपनी सर्विसेज और अपनी प्रोडक्ट की क्वालिटी हमारी जब कस्टमर्स तक पहुंचेगी तो हमारे पास वो अच्छी होगी तो 15 लोगों का फायदा हुआ। अगर वो खराब होती है मेरी सर्विस तो वो 20 लोगों में बोलता, अच्छी होती तो 5 में बोलता। तो अगर मैंने अच्छी सर्विसेज दी है तो मैं 15 नेगेटिव लोगों से बच जाऊंगा। इस तरह से आप समझ सकते हैं, एवरेज समझाने के लिए बता रहा हूं मैं आपको। इसलिए आप अपनी सर्विस भी अच्छी रखिए अपने कस्टमर के साथ में, प्रॉपर डाटा मेंटेन करके रखेंगे, आगे बात करेंगे इस पे। आफ्टर ए पॉजिटिव कस्टमर एक्सपीरियंस 69% वुड रिकमेंड्स टू कंपनी टू अदर्स। 69% का रेशियो आता है एक पॉजिटिव कस्टमर के द्वारा लोगों को अपने एक्सपीरियंस शेयर करने। ये स्टैटिस्टिक्स हैं, डिफरेंट डिफरेंट कंपनीज के डिफरेंट डिफरेंट सिनेरियो जो स्टैटिस्टिक्स बनाता है पूरा कि क्या रेशियो आता है उसके ऊपर ये बातें बता रहा हूं मैं आपको। एक सेटिस्फाइड कस्टमर स्टार्ट शेयरिंग, एक संतुष्ट ग्राहक क्या करने लगता है, उसे अभी नहीं पता बिजनेस का, उसे अभी नहीं पता इसमें कोई अपॉर्चुनिटी भी है, उसे नहीं पता अभी इसमें कोई क्या बोलते हैं इनकम प्लान भी है, उसमें नहीं पता इसमें क्राउन एम्बेसडर भी बना जाता है, नहीं पता उसे भी। उसने सिर्फ एक एंड यूजर था, उसने एक प्रोडक्ट यूज किया आपके द्वारा बताए जाने के बाद, अभी वो क्या करता है अपने कुछ जो 2-4 अरे तुम डीएक्शन की चाय नहीं पीते हो, अरे तुमने डीएक्शन का एक कॉफी, उसे नहीं पता कि इस प्रमोशन करके मैं इसमें अपॉर्चुनिटी बना सकता हूं, शायद उसे अभी नहीं पता। बट बिकॉज ऑफ वो प्रोडक्ट बहुत अच्छा था तो वो कई बार क्या होता है शेयर करना शुरू कर देता है। और नहीं तो आप उसे ये बात थोड़ा सा परस्यू कर सकते हैं, जब आपको ये प्रोडक्ट इतना अच्छा लग रहा है तो क्या आप नहीं चाहते कि इसका फायदा आप अपने रिलेटिव्स को पहुंचाएं, आप अपने मम्मी पापा को पहुंचाएं, पहले मम्मी पापा से शुरू करो, आप अपने बच्चों को दें, आप अपनी वाइफ को दें, आप अपने अंकल आंटी को दें, चाचा चाची को दें, रिलेटिव्स को दें, आप अपने पड़ोस में जो आपका कोई फ्रेंड है बहुत क्लोज फ्रेंड है, आप नहीं चाहेंगे क्या ये फायदे उसको मिल जाए? सर बिल्कुल, ये बात तो आपकी बिल्कुल सही है, वो तो मेरे बहुत क्लोज है, इतनी अच्छी चीज मिल गई। और ये चीज हम बोलते हैं, इसी बात को बोला जाता है वर्ड ऑफ माउथ, इसी बात को बोला जाता है शेयरिंग करना, मैं इसे बोलता हूं WOM वर्ड ऑफ माउथ, मुंह से द्वारा प्रचार करना। आप इमेजिन कीजिए, अभी फेसबुक नहीं था, पहले टीवी नहीं था, पहले विज्ञापन नहीं थे, पहले क्या बोलते हैं आपका व्हाट्सएप नहीं था, यूट्यूब नहीं थे, जूम नहीं थे, तो प्रोडक्ट कैसे मूव होता था? तो प्रोडक्ट माउथ पब्लिसिटी पे तो मूव होता था, पहले पिक्चर्स कैसे मूव होती थी, मदर इंडिया कैसे मूव हुई होगी, एक आदमी जब हमने पिक्चर देखी तो हमने क्या करा, हमने जाके अरे यार ये तो बड़ी अच्छी पिक्चर है, फैमिली पिक्चर है, ये पिक्चर है, इसमें इतनी अच्छी नरगिस की एक्टिंग है, इसमें कितनी अच्छी एक्टिंग है, ये है वो है, हमने प्रमोट करना शुरू कर दिया, है ना। हमें अच्छे से याद है कॉलेज टाइम में हम लोगों ने जब पिक्चर देखी थी तो हम भी ऐसे अपना रहे, किसी दोस्त ने बोला यार ये पिक्चर बहुत अच्छी है मैंने देखी है, चलो भैया DDLG का सबको याद होगा, अपने कॉलेज टाइम में हम लोग भी उस समय कॉलेज स्कूल में थे, हमने भी वो पिक्चर देखी, इसी तरह अपने दोस्त के किसी प्रमोशन में देखी, तब तो वहां पे कुछ इस तरह का प्रमोशन नहीं था कि हाँ वो हो रहा है। तो इसी तरह से आप सबको ये चीजें आप सोने देखिए, इमेजिन कीजिए उस समय सिनेमा वनेमा इतने नहीं होते थे, तो टीवी पे एक दिन शोले शायद पिक्चर आ रही थी तो हम लोग अपने क्लास को छोड़ के भागे, सर ने पकड़ा, डांटा भी मारा भी, तो ऐसे चीजें बहुत सारी है जीवन में सबके रही है। तो ये क्या सब चीजें थी, वर्ड ऑफ माउथ था उस समय। तो ये प्रोसेस आज भी वैसा ही जवान है, ये प्रोसेस आज भी उतना ही इफेक्टिव है। अगर एक व्यक्ति ने अपने किसी दोस्त से बोला यार ये प्रोडक्ट मैंने यूज करे हैं और मुझे बड़ा अच्छा महसूस हुआ है, तो डेफिनेटली चाहे वो रेस्टोरेंट की बात मैं करूं, चाहे वो मैं मिठाई की दुकान की बात करूं,
प्रेजेंटेशन में भी बताया था कि उस समय जब हम बहुत छोटे थे, इट वॉज अराउंड कौन सी ईयर की बात थी, 1995 की बात है, मुझे अच्छे से याद है कि उस समय बात आई कि जो है गणेश जी दूध पी रहे हैं। आप सबने भी पिलाया होगा, छोटे छोटे रहे होंगे, लाइन लग गई थी और वाकई में बहुत जबरदस्त मिरेकल हुआ था। गणेश जी दूध पी रहे थे, आप चम्मच लगाते थे वो दूध चला जाता था, गणेश जी ने दूध पीना शुरू करा। उस समय बहुत ज्यादा कोई न्यूज़पेपर्स को भी अगले दिन आती वो खबर, मान लीजिए आज कोई चीज हुई तो वो अगले दिन ही तो प्रिंट होकर 10-11 बजे तक 8 बजे तक लोगों तक पहुंचती। लेकिन हमने क्या देखा कि मान लीजिए वो प्रोसेस 10 बजे शुरू हुआ था तो 11-12 बजे तक लाखों घरों में, लाखों शहरों में लाइनें लग गई थी और वहां पर ये सब काम हुआ। तो ये मीन्स वॉट इज दिस, दिस इज द माउथ पब्लिसिटी, वर्ड ऑफ माउथ। एक ने दूसरे से बोला, दूसरे ने तीसरे से बोला। मुझे तो यहां तक भी है किसी बस में कोई जा रही थी तो एक बस में एक व्यक्ति ने बोला भैया गणेश जी दूध पी रहे हैं, दूसरे शहर में जाओगे तो जरा वहां 2-4 लोगों को बता देना। तो मीन्स वॉट, ये एक मीडियम था वर्ड ऑफ माउथ। उस समय फोन वोन नहीं थे इतने ज्यादा, व्हाट्सएप नहीं था कि आपने क्लिक करा और एक मैसेज पूरी दुनिया में वो छा गया। तो ये प्रोसेस आज भी उतना ही कायम है जितना उस समय था। ऐसा करने के बाद क्या होगा, आप उन लोगों को, उन कस्टमर्स को अपने साथ एसोसिएट कर सकते हैं। सर आप एक काम करिए, आपको जब इतना अच्छा प्रोडक्ट लग रहा है तो व्हाई नॉट यू ज्वाइन विद अस, है ना, आप हमारे साथ, हमारी इस फैमिली में आप आइए, इस मिशन में हमारे साथ ज्वाइन कीजिए। क्या है भाई मिशन, ये मिशन ये है कि सर जो फायदे आपको हुए वही फायदे आप अपने नियर डियर फ्रेंड्स सर्कल को आप बता ही रहे हैं, तो क्यों ना एक सिस्टम के थ्रू हम बता दें। What is the system? System is वेरी सिंपल, आप अपना ज्वाइन कीजिए, ज्वाइन करते ही आप जो है सिस्टम में इन्वॉल्व हो जाएंगे, ये फॉर्म ऑफ डिटेल भरिए और आप इस सिस्टम को अपने साथ एसोसिएट कीजिए। ऐसे करके वो आपका डिस्ट्रीब्यूटर, यहाँ वो आपका कंज्यूमर से डिस्ट्रीब्यूटर बन गया इस प्रोसेस के बाद, है ना। इसको डायरेक्ट सेलर एप्लीकेशन एग्रीमेंट फॉर्म बोलते हैं पूरा, राइट। अभी ऑनलाइन भी हो जाता है और आप इसे ऑफलाइन भी कर सकते हैं, ठीक है। फिर उसका एक आईडी क्रिएट हो जाता है, यहाँ पे उसका एक आईडी क्रिएट हो गया 099 करके, जैसे इंडिया का कोड है, ऐसे करके उसका एक आईडी नंबर बन गया, उसका नाम आ गया, उसका आईडी नंबर बन गया, राइट। उसके बाद अब वो कंज्यूमर से आपका जब डिस्ट्रीब्यूटर बना तो उसे आप इस प्रोसेस के दौरान क्या और बातें बता सकते हैं उसके ऊपर मैं प्रकाश डाल रहा हूं कि भैया देखो आप अभी कस्टमर थे, कस्टमर ही एक किंग है, उसको ये बताओ यू आर ए किंग। अरे आप ही प्रोडक्ट यूज नहीं करोगे तो कोई कंपनी नहीं चलेगी सर, कोई टर्नओवर नहीं होगी, कोई विज्ञापन का पैसा नहीं मिलेगा। कंज्यूमर अगर चाहे तो क्या नहीं कुछ कर सकता। और हमने देखा है कि जब एक बात पता चली कि मैगी के अंदर एक सम क्या वो है, अजीनोमोटो है, आई थिंक अजीनोमोटो था या समथिंग कुछ था, तो ये बात जब था तो बस शुरू से ही था ना, बट नहीं पता थी लोगों को। लेकिन जैसे ही गवर्नमेंट ने थोड़ा रूलिंग बनाई, FSSAI में वो पकड़ में आई वो चीज, तो वो सॉल्ट तो बहुत हार्मफुल है, तो उन्होंने तुरंत उसको बैन किया और बैन करके वो सारा का सारा कस्टमर ने यूज करना बंद कर दिया। लाखों करोड़ों और वो की मैगी जो है उन्हें स्पॉइल करनी पड़ती, वो पीछे कानून भी बहुत सख्त था, गवर्नमेंट का भी सख्त होना बहुत जरूरी था उस फेज के फेज में, वरना तो वो चीज चली ही आ रही थी लाखों सालों से, हम सब यूज करते थे, 2 मिनट में मैगी तैयार और वो कंपनी हमारे स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ कर रही थी। सिमिलरली एक और एग्जाम्पल मैं यहाँ पे दूंगा आपको, जॉनसन एंड जॉनसन बेबी ऑयल। कोई एक ऐसा बच्चा मुझे बताओ जिसने जॉनसन एंड जॉनसन बेबी ऑयल्स या उसके क्रीम्स, उसके पाउडर, उसके सोप यूज ना करे हो। हम से लेके हमारे हमें तो अच्छे से याद है, गिफ्ट देते थे हम लोग बच्चों को जॉनसन एंड जॉनसन बेबी ऑयल के पूरा किट होता था जब बच्चा न्यू बॉर्न बेबी होता था। और उस कंपनी का आप देखो तो क्या हुआ, उस कंपनी ने भी ऐसा कोई केमिकल डाला था जो कार्सिनोजेनिक केमिकल था, कैंसर प्रोड्यूस करने वाली स्लो पॉइजन चीजें थी। तो क्या हुआ, कस्टमर ने आज उसको रिफ्यूज कर दिया। जैसी वो चीज सामने आई, मीडिया में आई, उसके बाद उस पर केस हुआ, फिर उस पर बहुत ज्यादा पेनल्टी दी गई, तो उस कंपनी के उन उत्पादों को कितना बड़ा हार्म हुआ बिकॉज ऑफ द योर कंज्यूमर डिसीजन, कस्टमर के निर्णय की वजह से, राइट। तो इसी तरह हम यहाँ पे कस्टमर इज किंग, तो कस्टमर के अंदर पावर है, उसको उस पावर का एहसास कराना हमारा दायित्व है। क्या है कुछ बातें मैं आपको बता रहा हूँ, एनी डिस्काउंट, हाँ यस सर, आप हमारे साथ हमारे सिस्टम में इन्वॉल्व होंगे, ये फॉर्म फिलअप करेंगे, यू विल गेट इंस्टेंटली 20% डिस्काउंट। व्हाट इज द फीस ऑफ फॉर्म, व्हाट इज योर मेंबरशिप फी, इट्स फ्री। वाओ दैट्स गुड, इट्स बहुत अच्छी बात है। यानी सर ये आज के समय में है, लेकिन अगर आप जब मेरे से बात करेंगे, जब मैंने आपसे 20 साल पहले ज्वाइन किया था, दैट टाइम द अमाउंट वाज 1680 रुपीज, 1680 रुपए उस समय DXN मेंबरशिप मैंने ज्वाइन किया था 1680 रुपए पे करके, इमेजिन कीजिए। बाद में इसको रिड्यूस करके 500 हो गया था, वो एक फाइल मिलता था, प्रोफाइल मिलता था, 500 रुपीज में हजारों लोगों ने DXN को ज्वाइन किया था उस समय। बट राइट नाउ देयर इज नो फीस, इट्स फ्री ऑफ कॉस्ट। तो सर आप जैसे हमारे सिस्टम में प्लग इन होंगे यू विल गेट 20% डिस्काउंट, दैट्स गुड। एनी स्कीम, यस सर,
टाइम टू टाइम कंपनी विल प्रोवाइड स्कीम्स, आप समय समय पर कंपनी हमें ऑफर्स देती है, स्कीम्स देती है, हम ऐसा ऐसा करते हैं तो हमें ये मिलता है, राइट? एनी इंसेंटिव? ओ व्हाई नॉट सर, एवरी मंथ यू विल गेट इंसेंटिव लाइक कैशबैक। आप जितना भी आपने परचेज किया, इतना आपने परचेज किया, अराउंड 3,000 rupees का अप्रोक्सीमेट परचेज किया, यू विल गेट कैशबैक फ्रॉम नेक्स्ट मंथ इन द डेट ऑफ 10 तारीख तक आपका बोनस एक इंसेंटिव के रूप में आ जाएगा। अरे वाह, हो सकता है वो इनिशियल 100 rupees हो, 200 हो, 500 हो, जितना भी आपने परचेज किया डिपेंड्स ऑन उसके ऊपर, है ना, 6% 9% ये सब चीजें हैं। एनी प्रमोशन? यस सर, आपको प्रमोशन भी मिलते हैं, बहुत सारे समय पर हमारे प्रमोशन आते हैं और वो प्रमोशन हमें मिलते हैं, वेरी गुड सर। एनी फॉरेन ट्रिप्स? ओ व्हाई नॉट सर, फॉरेन ट्रिप्स भी मिलते हैं। आप देखिए कितने लाखों कंज्यूमर्स ने इस बिजनेस को प्रमोट करा और आज वो विदेश जा चुके हैं इसी माध्यम से। 26 बार तो मैं ही विदेश जा चुका हूँ, लाखों लोग मेरी टीमों में, मेरी टीम्स में विदेश जा चुके हैं, डीएक्सएन में हजारों लोग, लाखों लोग इस कंपनी के माध्यम से विदेश में ट्रेवल कर चुके हैं। सिमिलरली अच्छा, एनी कोई गिफ्ट वगैरह? हाँ सर, हमारे पास कंपनी कभी कभी आपको शील्ड्स देती है, कभी कभी आपको कुछ ऑफर्स देती है, जैसे बीच बीच में ऑफर आते हैं, आप इतना परचेस इस तारीख तक कर लेंगे, पहली तारीख को कर लेंगे, यू विल गेट सम डिस्काउंट, यू विल गेट सम गिफ्ट ऑल्सो। ओके दैट्स गुड। एनी कैरियर अपॉर्चुनिटी? यस। अरे आप अब तक देखो ये सारे पॉइंट्स वही थे जो कस्टमर को नहीं मिल रहे थे, कस्टमर ने जैसे ही डिस्ट्रीब्यूटरशिप फॉर्म भरा दे विल गेट ऑल दीज ऑल गेट बेनिफिट्स। एनी कैरियर अपॉर्चुनिटी? व्हाई नॉट सर, ये इट्स अ वेरी बिग कैरियर अपॉर्चुनिटी। तो फिर आप उसे सीधा सिस्टम पे ला सकते हैं कि भाई देखिए ये सिस्टम है, इसमें ऐसे ऐसे मेंबरशिप ली जाती है, आपने ले ली है, अब आप इतने लोगों को प्रोडक्ट इन्वॉल्व करेंगे, प्रोडक्ट सेल करेंगे, यू विल गेट बोनसेस। तो अब यहाँ पे क्या हुआ, नाउ यू बिकम अ वाइज कंज्यूमर, बाय ऑल डीएक्सएन प्रोडक्ट्स, हेल्थ केयर प्रोडक्ट, न्यूट्रिशनल प्रोडक्ट फ्रॉम योर डीएक्सएन सर्विस सेंटर, जो भी वहां का नियरेस्ट सर्विस सेंटर है या कंपनी का ब्रांच है, यू विल गेट 20% डिस्काउंट एंड यू विल गेट ऑल्सो एक कंप्यूटराइज बिल। जो भी आपकी वो आईडी बनी है उस आईडी पर अपना एक कंप्यूटराइज बिल लीजिए, जिससे वो आपके बोर्ड पर एंट्री हो जाए। अगर कोई डिस्ट्रीब्यूटर, कोई स्टॉकिस्ट आपको सर्विस सेंटर, यहाँ सर्विस सेंटर एक ऐसी चीज है जो कंपनी के द्वारा हम आप जैसे लोग भी सर्विस सेंटर चलाते हैं और वहां पे बहुत सारे कंज्यूमर्स अपनी आईडी लेके प्रोडक्ट लेने आते हैं और हमारा दायित्व होता है उनको उनका बिल रेज कर देना, राइट? यू विल गेट 20%। एंड ये चैनल तो बहुत पुराना, सब आपको पता ही है, आप ये बता सकते हैं 3 रुपए का प्रोडक्ट परचेज करा, 10 रुपए में कस्टमर को दिया, तो बीच के जो डिफरेंस है, ये बीच का डिफरेंस यहाँ जो चला जाता था डिस्ट्रीब्यूटर को, विज्ञापन में रिटेलर को, होलसेलर को, ये बहुत सारा चैनल होता है, इसमें 70% डिस्ट्रीब्यूशन हो जाता था। सिमिलरली इस कंपनी ने क्या करा, मैन्युफैक्चरर टू कस्टमर गया, है ना, कंपनी टू, जिसे बोलते हैं हम सी टू सी, कस्टमर टू कस्टमर, और बीच में हम डीएक्सएन के डिस्ट्रीब्यूटर होते हैं जो उनको स्टेप बाय स्टेप इंसेंटिव 6% से लेके 37% तक इंसेंटिव आते हैं, राइट? No middleman, no advertisement, no traditional outlet, a word of mouth benefits, health benefits. Whenever you buy any product, you will earn loyalty points. आपको points मिलते हैं, आपको जैसे पता है जिस तरह से आप क्रेडिट कार्ड अगर चलाते हैं तो क्रेडिट कार्ड को से प्रोडक्ट परचेज करने पर आपको पॉइंट्स मिलते हैं, अगर आप और भी कुछ कहीं एसोसिएटेड है वहां से प्रोडक्ट चीजें लेने पर आपको कुछ पॉइंट्स मिलते हैं, पेट्रोल भरवाने पर पॉइंट्स मिलते हैं। सिमिलरली इस कंपनी के भी हर प्रोडक्ट की परचेज करने पर यू विल गेट पॉइंट्स, राइट? और ये प्रोडक्ट आपको फ्री भी आ सकता है। ओ क्या बात कर रहे हैं सर, अभी तक तो मैं इंसेंटिव की बात कर रहा था, अब आई एम टॉकिंग अबाउट फ्री। यस सर, इट्स फ्री। डू यू लव फ्री स्टफ? क्या आप प्यार करते हो फ्री प्रोडक्ट से? अरे व्हाई नॉट सर, क्यों नहीं प्यार करता मैं? जस्ट स्टार्ट शेयरिंग टू शेयरिंग योर फ्रेंड्स नेबर्स, बहुत ही अग्रेसिवली, बहुत ही प्रोफेशनली, बहुत ही अच्छे तरीके से आप लोगों को बताना शुरू कर दीजिए। अगर आपको एक प्रोडक्ट फ्री करना है, एक एवरेज मैं मानता हूं, अगर आप ये प्रोडक्ट फ्री करना चाहते हो तो ज्यादा भी कुछ नहीं, आप सिर्फ 20 कंज्यूमर बना लीजिए, 20 कंज्यूमर की एक लिस्ट बना लीजिए जो आपके द्वारा ये चाय, कॉफी, पे, सोप, शैम्पू, कितने प्रोडक्ट, नंबर ऑफ प्रोडक्ट है हमारे पास आज के समय में 40-50 से भी ज्यादा प्रोडक्ट है और बहुत सारे प्रोडक्ट अगले आने वाले कुछ महीनों में आपके पास आ जाएंगे। उन लोगों को आप ये प्रोडक्ट दे के उन्हें अपना ये प्रोडक्ट फ्री कर सकते हैं। फ्री कैसे होगा, जितना भी प्रोडक्ट आपने परचेज करा उसका आपको एक इंसेंटिव आएगा, वो इंसेंटिव जो है आपको अगले महीने की 12 तारीख तक आ जाएगा। अगर मान लीजिए आपने 5,000 रुपए का प्रोडक्ट आप परचेज करते थे, आपने 20 लोगों को प्रोडक्ट दे दिए, किसी ने 2,000 का लिया, किसी ने 500 का लिया, किसी ने 100 का लिया, किसी ने 2,000 का लिया, ये सब बाई करके टोटल होके सारे पॉइंट्स एक्युमुलेट होके जो परसेंटेज आपका है उस परसेंटेज पे आपको अगले महीने की 10 तारीख को ये बोनस आ जाएगा। मान लीजिए वो 5,000 रुपए का बोनस आ गया, 4,000 रुपए का आ गया, 10,000 रुपए का आ गया, तो इट मींस ये प्रोडक्ट आपको फ्री हो गए,
दिस इज द वे कैसे ये प्रोडक्ट फ्री होता है। और इसके लिए फ्री ऑनलाइन ट्रेनिंग चलती है, जैसे कि मैं आपको ऑलरेडी बोल चुका हूँ, एक लिंक होता है, व्हाट्सएप लिंक होता है, इस पे आप जो है जूम का लिंक होता है, यूट्यूब का लिंक होता है, इस पे आप अपने आपको मीटिंग, और ये दो चैनल आप सब्सक्राइब भी कर लीजिए। आरबीसी का जो चैनल है डीएक्सन आरबीसी के नाम से, और इधर डीएक्सन डीएमआई के नाम से, ये दो चैनल डीएक्सन आरबीसी और डीएक्सन डीएमआई ऑफिशियल चैनल, ये दोनों यूट्यूब पे जाके आप वहां पे जाएंगे, चैनल डालेंगे तो इनको सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सब्सक्राइब करने का फायदा क्या होता है, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट है, उसका पैसा नहीं लगता। उसका एक एडवांटेज क्या होता है, जैसे ही कोई मीटिंग उस पर अपलोड होती है, यू विल गेट अ रिमाइंडर, एक नोटिफिकेशन आपके पास आ जाता है, ओके एक मीटिंग अपलोड हुई है, आप उसको देख लीजिए। तो अगर बाई चांस किसी वजह से आपको ये व्हाट्सएप लिंक नहीं भी मिल पाया है उस मीटिंग का, या उस समय आप बिजी थे, क्योंकि जो जूम पे मीटिंग होगी वो लाइव मीटिंग होगी, अब ये मीटिंग जब YouTube पे आ जाएगी तो आप मेरी ये मीटिंग को रिकॉर्डेड मीटिंग को देख सकते हैं। अभी आप जो लोग लाइव जुड़े हुए हैं वो लाइव लोग इसको फायदा उठा रहे होंगे, राइट। वी ग्रो एज अ नेटवर्क ऑफ डिस्ट्रीब्यूटर्स हु आर डूइंग द सेम थिंग्स, शेयर एक्सपीरियंस, सेल प्रोडक्ट्स, प्रोवाइड एन अपॉर्चुनिटी टू बिल्ड अ बिजनेस, राइट। हमें क्या करना है, हमें एक नेटवर्क खड़ा करना है डिस्ट्रीब्यूटर्स का, जो ये शेयर एक्सपीरियंस का, जो लोग क्या कर रहे होंगे, अपने एक्सपीरियंस को अनुभव का शेयर कर रहे होंगे, प्रोडक्ट को बेच रहे होंगे, प्रोवाइड करा रहे होंगे उन लोगों को एक बिजनेस अपॉर्चुनिटी, दैट्स। और हमने अभी एक टारगेट लिया है, प्रोफेसर सर ने अभी पीछे मीटिंग लिया था, जो है इसी महीने के साल में हमने सभी लोगों ने एक प्रण लिया है कि हम साल में 100 ज्वाइनिंग करवाएंगे, 100 ट्रेनिंग। अभी मेरे ख्याल से 3 तारीख को उनका इस साल का पहला प्रेजेंटेशन था, उसे मैंने इंट्रो किया था प्रोफेसर सर का, उन्होंने साफ बोला था कि भाई एक लक्ष्य हमें बनाना है कि हर एक डिस्ट्रीब्यूटर, एक्टिव डिस्ट्रीब्यूटर 100 लोगों को अपने साथ पूरे साल में इस 2022 में इन्वॉल्व करेंगे, तो उसे डिवाइड कर देंगे 12 से, तो एवरेज 8 लोगों को एक महीने में ज्वाइन कराना मुझे नहीं लगता कि कोई बहुत भारी काम है, और मिनिमम इतना तो आप काम करके दें, ये दायित्व आपका सबका है, सभी लोगों का है। और देखिए नेटवर्क जब तैयार होगा बिल्कुल इसी तरह से तैयार होगा जिस तरह से कंपनी 1993 में शुरू हुई थी और मलेशिया से शुरू होके, और ये देखिए एक एक डिस्ट्रीब्यूटर किस तरह से आपके साथ आप जुड़ रहा है, ये सब आप ही की चेन है, ये सब आप ही की टीम है, ये सब मेरी ही टीम है, ये सब आपके ही लोग है, आपके चाचा है, कोई ताऊ है, देखिए ये सब, ये आपका एक दोस्त आया है, ये उसका दोस्त का चाचा जी है, ये उनके पड़ोसी है, ये उनके कोई ताऊ जी है, ये उनके फादर इन लॉ है, ये सब लोग आप ही के लोग हैं सर, आप ही की टीम बन रही है, आप ही के लोग जुड़ रहे हैं, हम सब की ये टीम डीएक्सन की फैलते हुए, इट्स कॉल्ड ए डुप्लीकेशन, यू नेवर नो, आप पता भी नहीं चलेगा, जहां एक बार चक्का घूमना शुरू हुआ यू विल गेट सो मेनी डिस्ट्रीब्यूटर्स फ्रॉम डिफरेंट डिफरेंट एरियाज, है ना, दुबई में भी ज्वाइनिंग हो सकती है, ऑस्ट्रेलिया में भी हो सकती है, यूरोप में भी हो सकती है, अमेरिका में भी हो सकती है, कनाडा में भी हो सकती है, एन नंबर ऑफ सिटीज है, हर कंट्रीज में आपकी टीम बन जाएगी। और देखिए हम यहाँ मीटिंग कर रहे हैं और लोग हमारे साथ एसोसिएट होंगे, ये इसका एक टीम का, एक नेटवर्क का होने का फायदा है, हजारों लाखों लोग आपके साथ इस बिजनेस को ज्वाइन करेंगे। सो माय डियर फ्रेंड्स, द की इज कस्टमर एंड डिस्ट्रीब्यूटर, जो की है, जो चाबी है आज की इस प्रेजेंटेशन की, वो कौन है, वो आपका कस्टमर है, वो आपका वो कंज्यूमर है, और उसको इस माध्यम से जो बातें मैंने आपको बताई, इन माध्यम से आप उसे अपने साथ डिस्ट्रीब्यूटर्स बना के उन्हें आगे भविष्य में सफल बना सकते हैं। दोस्तों बहुत बहुत शुभकामनाएं आज के दिन को सफल बनाने के लिए, इस आज के जो यूथ हमारा जो है, उसे युवा है, उसको सफल बनाने के लिए आज जो हमारा दिन है, यूथ डे है, इसको सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं, आप भविष्य में बहुत सफल हो, सारे सपने पूरे करें, सारे लक्ष्य पूरे करें, और डीएक्सन आपको दिन दोगुनी रात चौगुनी स्पीड से आगे लेके जाए, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद सर, आज जो टॉपिक था बेहतरीन तरीके से आपने बताया, उसमें बहुत सारे छोटे छोटे पॉइंट्स आपने बताए जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है, जैसे कि आपने बताया सर कंज्यूम करने के साथ साथ हमें सीआरवी करना है, कंज्यूम करना है और सीआरवी करना बहुत बड़ी इम्पोर्टेंट चीज है। उसके बाद आपने ये बताया कि उसके साथ साथ हमें डीस कंज्यूमर बनाना है, कंज्यूमर बनाने के साथ साथ और उसको हमें डुप्लीकेशन में लाना है, तब जाके हम इसमें सक्सेस हो पाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सर, उम्मीद करता हूँ आगे जाकर